हेलो एवरीवन वेलकम बैक वीवर्स कैसे हो आप सब लोग आई उम्मीद करती हो स्वस्थ होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे आज मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग देखने वाली हूँ कि आज शाम आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा था क्या कुछ आपके पर्सन सोच रहे थे सो so, चलिए देख लेते हैं ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस है सभी लोगों के लिए रीडिंग है इस बात का ध्यान रखिएगा हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आपको लेके आज शाम क्या कुछ सोच रहे हैं या क्या कुछ सोच रहे थे प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं सेवन ऑफ सोर्स थ्री ऑफ एंटिकल डेफिनेटली इस कनेक्शन के अंदर रिवर्स मुझे ऐसा नजर आ रहा है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कोई भी हो सकता है वो पारिवारिक लोग भी हो सकते हैं ठीक है परिवार के लोग हो सकते हैं फ्रेंड्स हो सकते हैं रिलेटिव्स हो सकते हैं कोई भी अपना सिबलिंग हो सकता है बहन भाई मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस समय चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है आप इनसे काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी कुछ इनसे बोल भी रहे हो कह भी रहे हो लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं आई थिंक सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन के बीच में ये भी एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अंदर देखो करा तो बहुत कुछ है लेकिन उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया है राइट right? एक्सेप्ट ना करने की वजह से वीवर्स यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनती हुई नजर आ रही है मतलब एक तो गलती करना और गलती को सुधारना भी नहीं उन चीज़ों को और ज़्यादा फोर्सफुली करना और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी नहीं करना कि हाँ ये चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ यानी व्यक्ति को रियलाइजेशन भी नहीं है इन चीज़ों का कि वो गलत कर रहा है या गलत कर रही है ये चीज़ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप इस व्यक्ति को जो भी कभी भी किसी भी चीज़ को रोकने करने से रोकते हैं या फिर आपको कुछ भी चीज़ पता चलती है और आप उनसे पूछते हैं व्यक्ति अगेन कहीं ना कहीं सोचना मतलब बहुत ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं और सोचने की वजह मतलब क्या सोचते हैं झूठ कैसे बोलूँ कैसे चीजों से बचू पकड़ा गया है व्यक्ति है आपका लेकिन फिर भी झूठ बोल रहा है यह झूठ बोल रही है एक्सेप्टेंस नहीं है इस कनेक्शन के अंदर साफ ही साफ नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अभी भी आप लोगों के बीच में यहाँ पे नजर आ रही है तो हो सकता है काफी सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू से यहाँ पे जूझ रहे हैं जबकि आपका कनेक्शन अगर हम देखें तो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा रहा एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नजर आती है एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने प्यार किया है सपोर्ट की है लेकिन फिर भी इस व्यक्ति की तरफ से कुछ ना कुछ तो ऐसी मिस्टेक्स हुई है जहाँ पर ये दिखाता है कि प्रायोरिटी जो है वो थर्ड पार्टी को बनाए यानी थर्ड पार्टी चीजों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है कहीं ना कहीं मौका जो दिया है वो आपके पर्सन पर ने ही दिया है थर्ड पार्टी को आने का थर्ड पार्टी को इस कनेक्शन में वो करने का जो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति कर रहा है यानी थर्ड पार्टी जो कर रही है थर्ड पार्टी की इस समय रूलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है अब यहाँ पे मैं रूलिंग क्यों बोल रही हूँ व्यूवर्स क्योंकि थर्ड पार्टी तो एक अपना ही कहीं ना कहीं मतलब अपना ही फायदा चाहेगी उसको उसको आपकी क्या पड़ी है ठीक है उसको आपके रिश्ते की क्या पड़ी है रिश्ता चाहे जितना भी डैमेज हो जाए आप दोनों के बीच में चाहे जितनी भी कितनी भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाए उसका फ़ायदा होना चाहिए उसकी अपनी लाइफ बेहतर होनी चाहिए तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही है थर्ड पार्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता कितना डैमेज हो रहा है वो सिर्फ अपना रिश्ता चलाने में या फिर अपनी कहीं ना कहीं जो नीड्स है उसको फुलफिल करने में मुझे यहां पर लगी हुई नजर आ रही है आपके पर्सन भी व्यूअर्स ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ कर नहीं रहे कर रहे हैं क्योंकि क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न मैं आपको बता दूं इसका रीज़न व्यूवर्स यहाँ पर ये यह है क्योंकि आप उनको रोक रहे हो थर्ड पार्टी की तरफ जाने से थर्ड पार्टी के लिए कुछ करने से या फिर कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन के ऊपर उनका जो ध्यान है लौट के वापस आ जाए या वो इस कनेक्शन के बारे में सोचे या इस कनेक्शन को प्रायोरिटी उठाए तो कहीं कही ना कहीं व्यवर्स आप उनको रोका टोकी कर रहे हो ठीक है दैस वायी दिस पर्सन फीलिंग लाइक यू आर बिकमिंग कंट्रोलिंग पर्सन और कंट्रोलिंग मैन और कंट्रोलिंग वुमेन जो उनको हर चीज़ पर रोका टोकी करती है बात बात पे उनको हर चीज़ पे कंट्रोल करती है या कंट्रोल करता है और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिप, रिपीट होती गई हैं तो रिपीट होने की वजह से आपका जो नेचर बिहेवियर है उनको सिर्फ एक एक नेगेटिव सेंस में ही आपका नज़र आया उन्होंने आपके साथ में जो वक्त बिताया था अच्छा वाला वो कहीं ना कहीं व्यक्ति भूल गए और उसको इतना भूले इतना भूले कि उनकी मन में जो आपको लेके छवि बनी वो एक एक कंट्रोलिंग पर्सन की ही बन गई कि यार ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करती है या चिड़चिड़ करता है इसको पता नहीं है कब क्या बोलना है ये सब चीजें हैं तो ये चीज़ें विवर्स यहाँ पे नजर आ रही हैं आप तो उनके भले के लिए उनको रोक रहे थे या इस कनेक्शन को बचाने के लिए आप उनको कहीं ना कहीं सब चीज़ें कर रहे थे लेकिन आपके पर्सन ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया क्योंकि थर्ड पार्टी को भी इन चीज़ों की क्या फ़र्क पड़ता है उसको तो अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है उसको तो अपनी नीड फुलफ़िल करनी है उसको तो जो मिल रहा है उसको इजिली मिल रहा है विदाउट डूइंग एनी ठीक है तो वो तो अच्छे से चलेगी ही चलेगा तो आपके पर्सन को ये लगा कि भाई थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है थर्ड पार्टी बहुत अच्छा करिए थर्ड पार्टी उनकी वैल्यू शेयर है थर्ड पार्टी के साथ में बहुत अच्छा टाइम देता है थर्ड पार्टी के साथ में ये और वो थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी इनके ऊपर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इतना प्रभाव विवर पड़ा क्योंकि आपका जो प्रभाव है वो नेगेटिव हो गया आपका जो प्यार है वो कहीं ना कहीं हाइड हो गया आपका प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहीं ना कहीं दब गया आपका प्यार कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को बचाने में दब गया तो आपका प्यार जो उभर के सामने ही नहीं आ पाया वो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं चल रहा है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नजर आ रही है आप दोनों के बीच में चीजें हो ही नहीं पा रही है सॉर्ट आउट ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर फ्यूचर ले, को लेके ले ले आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं ठीक है अब ये डाउट्स यहां पर क्या दिखाते हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं रन अवे कर जाएगी या रन अवे कर जाएगा या फिर ये कहें कि अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करेगा ठीक है कमिटमेंट को लेकर जैसे कि कहीं कही ना कि चीज़ों के छूट जाने का डर खतरा तो इस वजह से व्यूअर्स आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस व्यक्ति को लेकर सवाल उठते रहते हैं और आप इन सब पूछते हैं तो ये व्यक्ति व्यूअर्स उन बातों से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब तो जैसे या तो फ्रस्टेटेड हो गए हैं या फिर कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली जो है अपने अपने जो कमिटमेंट है वो पूरे यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ भी इन्होंने अगर कमिटमेंट किया तो उसको पूरा क्यों नहीं किया इस बात को लेके भी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर नहीं नजर आ रही है दिस पर्सन फीलिंग लाइक यू आर यू आर वेरी कंट्रोलिंग यू आर वेरी पुशिंग पर्सन समथिंग लाइक कि आपको जो करवाना होता है आप इनसे करवा के रहते हो चाहे इनकी परिस्थितियाँ अच्छी है नहीं है ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि व्यक्ति देखो आपका आपका हिस्सा नहीं देख रहा है कि आपके अपने हिस्से में आप अपनी लाइफ में क्या पेन लेके चल रहे हो या कितने इनसिक्योर हो या फिर कहीं ना कहीं किन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हो दिस पर्सन जस्ट इस व्यक्ति को ये चीज़ें ही समझ में आ रही है कि आप उनका आपका जो नेचर बिहेवियर है वो व्यक्ति हैंडल या कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ठीक है तो ये चीज़ें यहाँ पे ये दिखाती है कि व्यक्ति को आप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नजर आते हो जो कि इनके साथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहा है बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो रहा है कि जो अपने मन की करवानी होती है वो करवा के ही रहता है या फिर ऐसा समथिंग लाइक आप ऐसा समझ सकते हो ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली हो गई हो या बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो गए हो समथिंग लाइक like, आप समझ रहे हो ना कि आपको सिर्फ गुस्सा ही आता है आप सिर्फ हार्श ही बात करते हो पोलाइट बात नहीं करते हो आप सिर्फ टोन करते हो यह सब चीज़ें इस व्यक्ति को दिख रही है तो टावर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में नजर आ रहा है जो कि चल रहा है टावर क्या दिखाता है कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर देना मतलब कि अगर गुस्सा भी हो तो बहुत ज्यादा हो रहा है ठीक है और एकदम से चीजों को खत्म करने पे आ रहा है तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप इस कनेक्शन में ऐसा करना चाहते हो लेकिन ऐसा नहीं है आप इस कनेक्शन को सेव करना चाहते हो आप इस कनेक्शन को बचाना चाहते हो क्योंकि आपने इस कनेक्शन के ऊपर बहुत बहुत एफर्ट लगाए हैं बहुत टाइम लगाए हैं तभी तो आप इस कंडीशन में इस व्यक्ति को इस ये सब कुछ करने से रोक रहे हो अदरवाइज़ आपका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आप किसी को बांध के रखो या फिर अपनी अपनी इच्छाएं दूसरे पे थोको थोपो ऐसा कुछ भी नहीं आपका मोटिव नहीं है लेकिन जब आपको लगता है कि भाई सामने वाला पर्सन अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको कहते हैं ना फिर उसको अपने अधिकार या अपनी पावर दिखाई जाती है या फिर अपने अधिकारों में बांधा जाता है तो आप बस वही यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप लोगों के बीच में या तो थर्ड पार्टी इशूज़ बहुत ज़्यादा है या फिर ये कहीं कमिटमेंट इशूज़ बहुत ज़्यादा है हुए ठीक है आपको कमिटमेंट आपके पर्सन जो है दे के भी या तो मुकर गए हैं या फिर ये ऐसा नजर आ रहा है कि देना ही यहाँ पे नहीं चाहते हैं कुछ ऐसा है लेकिन करंट हालात तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं लेस सी इनकी और क्या फीलिंग है इस कनेक्शन को लेके ये क्या फील करते हैं एलिफेंट पेज ऑफ सोर्ट्स सिक्स ऑफ सोर्ट्स एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है ओके okay, बॉटम की एनर्जी आ रही है स्टार की स्टार एनर्जी इज़ ए होपफुल एनर्जी जो यहाँ पे मैं देखती हूँ ठीक है इस कनेक्शन के अंदर अब ये यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ बस कि इस कनेक्शन के अंदर आप लोगों के बीच में अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं आप इनसे कहीं ना कहीं पुष कर रहे हो जो उन लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पे कि देखो भाई आपका जो पर्सन है वो इस कनेक्शन के अंदर ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि वो आपको अपना जो प्यार है वो अपने प्यार को निभा नहीं सकता ये निभा नहीं सकती वाई क्योंकि उनके जो फादर हैं या उनकी जो मदर हैं वो इस कनेक्शन के लिए बिल्कुल भी बिल्कुल भी ऐसा नज़र आ रहा है जैसे रेडी ही नहीं है ठीक है और या तो उनको ऐसा लगता है कि वो रेडी होंगे ही नहीं क्योंकि वो उनकी सोच को जानते हैं वो उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझते हैं ठीक है तो उनके साथ में वो अपनी बात जो इस कनेक्शन को लेकर शेयर करने की हिम्मत में नहीं आ रही है ऐसा यहाँ पर दिख रहा है लेकिन फिर भी वैसे आपका जो पर्सन है वो ये चाहता तो है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहता या कमिटमेंट दिया है तो आगे निभाना नहीं चाहता या निभाना नहीं चाहती है डेफ़िनेटली ऐसी एनर्जी एनर्जीगाइज यहाँ पर है लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कही कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है मेक इट हैप्पी नहीं हो पा रही है आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ में नहीं अच्छा हो पा रहा है एक बात और है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि इस कनेक्शन में आपका जो पर्सन है वो कहीं कही ना कहीं आपका देखो आपका कंट्रोल नहीं चाहता उसको देखो आपका उसको ऐसा लगता है कि यू आर बिकमिंग लाइक ए कंट्रोलिंग पर्सन और समथिंग लाइक लेकिन व्यक्ति जो है आपके साथ में वो फ्रेंडली वाला नेचर बिहेवियर फिर से वो कहीं कही ना कहीं जाता ही चाहती है ठीक है तो यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप वो प्यार उनको दे नहीं दोगे नहीं या फिर उन उस प्यार के साथ में वो आगे आपके साथ में बढ़ नहीं पाएंगे जो प्यार था वो अब नहीं है ये सब चीज़ें इस कनेक्शन में कहीं कही ना कहीं रिप्रेजेंट करती है फिलहाल मैं व्यूअर्स ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जब बेहतर नहीं हो रही है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय आपसे डिस्टेंस भी यहाँ पर बना रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि यार डिस्टेंस बनाने कहीं ना कहीं बेहतर है चीज़ें जब सॉर्ट आउट हो जाएंगे जब आपका दिमाग में भी हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ही समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा है तो जब आपका दिमाग थोड़ा ठंडा होगा डाउन होगा तब आप इस कनेक्शन में जब इसको ले थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाओगे तो ये आपकी तरफ आ जाएंगे फिलहाल तो मैं वीवर से आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम है उनसे कैसे डील करें आपका जो पर्सन का ध्यान है इस चीज़ पर चलता हुआ नजर आ रहा है क्या होगा इस कनेक्शन में डिवाइन एंजल क्या होंगे एक्शन कनेक्शन में इनके पार्टनर की तरफ से किंग ऑफ सोड की एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ कप्स प्यार और रिश्ता दिखा, दिखाता है इस देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में टावर आया है तो यानी कहीं कही ना कहीं इस कंडीशन में अचानक सडन बदलाव आएंगे ठीक है ये कनेक्शन अचानक से बदलावों को रिप्रेजेंट करता है यानी कि करंट परिस्थितियां जो भी है इस कंडीशन में वो कहीं कही ना कहीं बहुत तेजी से बदलेंगी नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बॉटम के डेक से आ रही है और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही रहीवर्स कि आपका जो पर्सन है अभी तो फिलहाल कहीं ना कहीं अपने दिमाग में आपको लेके बहुत ही मिस परसेप्शन या कहीं ना कहीं एक अलग ही नेगेटिव थिंकिंग बना के चल रहा है चल रही है लेकिन आने वाला जो समय है वो व्हील ऑफ़ फॉर्चून के साथ में आया है तो व्हील ऑफ़ फॉर्च्यून एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं बदलावों को रिप्रेजेंट करती है अचानक से बड़े बड़े परिवर्तनों को रिप्रेजेंट करती है तो अभी आपके पर्सन के दिमाग में जो आपको लेके छवि है वो भी इन फ्यूचर कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है राइट right? तो आने वाले समय में होने के वाला है चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं ग्रो करने वाली हैं एफर्ट को वेस्ट नहीं जाने वाले हैं और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिलने भी वाले हैं ये फ्रूटिशियस एनर्जी होती है जो कहीं ना कहीं एफर्ट में दिखाती है कि कहीं ना कहीं एफर्ट में लगे रहो चीज़ों को मैनिफेस्ट करो अच्छे से चीज़ों को करने की कोशिश करो और अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहो चीज़ें आपके साथ में आपके फेवर में ही होंगी वैसे आपके लिए आपकी पर्थन की और यहाँ पर क्या फीलिंग आ रही है तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स जो हेल्पर्स प्लीज गाइडेस चाइल्ड हुड ट्रोमा की एनर्जी है यहाँ पे मैंने बोला था अभी आपके पर्सन माइंड के साथ में और माइंड में मा उनके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको लेके भरी हुई नज़र आ रही है ऑब्सेशन में भी है आपके पर्सन आपके साथ में ऑब्सेशन ये दिखाता है कि उनको कहीं ना कहीं देखो आपके साथ में प्यार तो रहा है और आप उनको अंदर बिलीव नहीं करते हो या फिर लोग उनके साथ में मतलब एक अनटस्ट वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं पैन बहुत ज़्यादा है आपको लेके पैशन ये दिखाता है कि इस समय पैशन की एनर्जी मतलब फायरी एनर्जी किसी भी दिशा में जा सकती है वाई डू यू फील लाइक this way? आप उनके साथ में ऐसा क्यों फ़ील करते हो कि आपके साथ में अनट्रस्टवर्दी हैं या फिर अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे या फिर आपके साथ में ये लॉयल नहीं है ये चीज़ें आप ऐसा क्यों फ़ील करते हो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है अभी आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं यस ये चीजें स्टकनेस को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं लेकिन आने वाला समय स्टकनेस से बाहर आने को रिप्रेजेंट करता है तो आप लोग लिए यहाँ पर आने वाला समय बहुत अच्छा रह सकता है बहुत अच्छे चेंजेस आने की यहाँ पे कहीं ना कहीं उम्मीद नज़र आ रही है परसेप्शन एकदम सडन बदलेगा सडन बदलाव की एनर्जी यहाँ पर है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ भी नज़र आती है सो so, ये व्यवर्स आप लोगों के लिए रीडिंग है अगर ये रीडिंग हुई आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पसन इंड के आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में टिल देन अपना ध्यान रखें खुद को हील रखें पॉजिटिव रखें सुबह बाय टेक केयर